ये जो आपके सामने है वो है इंडिया का फर्स्ट ट्रांसम एटॉमिक क्लॉक। जब ये कंप्लीट होगा तब इंडिया का ही नहीं वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक होगा। ये जो ब्लू लेजर्स है वो एक रीजन के लिए है, ये जो मेटल ट्यूब है वो एक रीजन के लिए है, और यहाँ कुछ मिसिंग है जिसके ऊपर कवर लगा है वो भी एक रीजन के लिए है। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 3D एनिमेशन की मदद से कि एटॉमिक क्लॉक्स कैसे काम करते हैं, पर्टिकुलरली एक ट्रांसम एटॉमिक क्लॉक। तो चलिए जानते हैं। सबसे सिंपल सवाल, एक सेकंड क्या है? आप बोलोगे आपके क्लॉक के ऊपर एक टिक एक सेकंड है, पर आपको कैसे पता आपका एक सेकंड किसी और देश किसी और बंदे से या किसी सैटेलाइट से सेम है? कुछ तो ग्लोबल डेफिनेशन होना चाहिए एक सेकंड का। अभी जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा एक सेकंड का वो गलत है, पर काफी यूट्यूब वीडियोस में यही मिलेगा, उसका एक रीजन भी है। तो ग्लोबल डेफिनेशन ये है कि सीजियम एटम, अगर आपने देखा है सीजियम एटम के जब 900 करोड़, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है 900 करोड़, इतने ऑसिलेशन हो जाते हैं तो उसका एक सेकंड है वैल्यू। ठीक है, बहुत फास्ट होता है वो। ये एक्सप्लेनेशन गलत है, आपको पता भी चल जाएगा उस वीडियो के एंड में क्यों गलत है, पर इसे एक्सप्लेन करना सिंपल नहीं है, आपको इस वीडियो के लेंथ से पता चल गया होगा। तो ये जो स्ट्रॉन्शियम एटॉमिक क्लॉक है वो है आईसर पुणे डॉक्टर उमाकांत रापोल के लैब में। ये वो सेम लैब है जिसमें रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था पुणे इंडियाज कोल्डेस्ट प्लेस, जहाँ पे उनका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का सेटअप है, जहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एटम्स एकदम साथ में मिलके बनते हैं, ये इतने ठंडे होते हैं ऑलमोस्ट क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो कि ये जो लैब का उनका पार्ट है वो इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस बन जाता है। अब ये जो उनका स्ट्रॉन्शियम एटॉमिक क्लॉक का सेटअप है, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये बस क्लॉक्स के लिए नहीं दूसरे क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी बन रहा है। समझते हैं ये कैसा काम करता है। सबसे पहले ऑब्वियसली स्ट्रॉन्शियम एटम क्लॉक है तो हमें स्ट्रॉन्शियम एटम्स चाहिए बहुत सारे। तो ये स्ट्रॉन्शियम एटम्स जनरेट होते हैं इस ओवन में। ये जो है वो है कुशल और कोरक, इनसे आप मिले होंगे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के वीडियो में, ये आपको समझाएंगे ओवन कहां है कैसे दिखता है। हियर इज आवर स्ट्रॉन्शियम ओवन। नाउ द स्ट्रॉन्शियम इज अ मेटल व्हिच हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 700 टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। सो to have a like enough atmosphere pressure, we have to heat it to a 500-550 degree centigrade. So we have this oven which is isolated from the environment, and it is again collimated by a microcapillary tubes. So it will collimate the atomic beam. Okay, when you say collimate, you mean like single direction or single direction with the little divergence as possible. So to maintain the pressure here, so here our vacuum pressure is about -8, -9 torque. And we also need to maintain this. So this is our iron pump. So iron pump maintains the pressure for the background strontium, which is uncollimated. So after that, अभी हमारे पास आ गए स्ट्रॉन्शियम एटम्स, बहुत सारे आ गए। अभी हमें उनको प्रोसेस स्टार्ट करना होगा, इन्हें स्लो डाउन करना और इन्हें रोकना, बेसिकली हमें इन्हें स्टॉप करना है, क्योंकि हमें एक दो एटम्स को लेके ही हम क्लॉक बना पाएंगे। तो इन्हें रोके कैसे? सबसे पहले तो एक फोर वे क्रॉस होगा जिसमें चारों साइड से हम लेजर फायर करेंगे और इस बीम को थोड़ा टाइट करेंगे क्योंकि बहुत स्प्रेड हो रहा है। उसके बाद वो एक जीमेंस फ्लोर के थ्रू जाएगा। जीमेंस फ्लोर एक डिवाइस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड्स जो कॉइल्स है वो रैप्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड से स्लो डाउन करेंगी, और एक अपोजिंग लेजर भी आएगा जो स्लो डाउन करेगा एटम्स को, जिससे बाहर निकलेगा तब वो बहुत स्लो होगा 25 मीटर पर सेकंड तक। उसके बाद वो जाएगा मॉट में, MOT यानी मैग्नेटो ऑप्टिक चेंबर, इसे काफी लोग साइंस चेंबर भी कहते हैं लैब में। इस लैब में, इस मॉट में जब वो पहुंचेगा तो 6 साइड से लेजर आएगा और लेजर कूलिंग के थ्रू हम इसे रोकेंगे। अब मैंने ये लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, पर एक क्विक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। देखो एक एटम के क्या मूवमेंट हो सकते हैं 3D में, राइट? ऊपर नीचे साइड आगे पीछे। अगर हम सब साइड से लेजर फायर करें और उसका मोमेंटम रोके, उसका एनर्जी रोके, तो वो फिर स्लोली उसका मूवमेंट रुक जाएगा और ऐसे वो कूल हो जाएगा। देखो गरम और ठंडा वही है, गरम मतलब आप बहुत मूव कर रहे हो, आपका एटम बहुत मूव कर रहा है, ठंडा मतलब आपका एटम नहीं मूव कर रहा है, जीरो एब्सोल्यूट जीरो पे मूव ही नहीं कर रहा है। यहां तक आप बोलोगे GS ये तो आपके बोस इंस्टेंट कंडेंसेट वाले वीडियो की तरह ही लग रहा है एज ऑफ नाउ। नहीं, अभी थिंग्स चेंज होने वाले काफी। पहले आप सुनो कि ये जो मैंने एक्सप्लेन किया वो सेटअप कुशल रियल में दिखाए। सो आफ्टर दैट हियर वी हैव वन फोर वे क्रॉस और यू कैन सी द व्यू पोर्ट्स आर देयर। सो इवन दो वी हैव कोलिमेटेड आवर स्ट्रॉन्शियम एटॉमिक बीम, देयर इज सम फाइनाइट डाइवर्जेंस इज देयर। सो टू कंपेंसेट फॉर द डाइवर्जेंस व्हाट वी डू इज दैट वी सेंड द बीम फ्रॉम द अप डायरेक्शन एंड द डाउन डायरेक्शन एंड आल्सो फ्रॉम द साइडवेज। So it compresses the beam and the divergence decreases as it reaches the our science chamber. So here it is again, our Zeeman's flower is there. So the Zeeman's flower is winded in a such a way that the spatially varying magnetic field is so the spatially varying magnetic field will change the Zeeman's looping at each point, and there is a one laser beam will be coming from this direction. So that atomic beam and the laser beam, they both will on the resonant with each other, such a way that it will absorb the maximum number of photons.
So the initial temperature, our temperature in the oven is about 500 to 600 degrees Celsius. Hmm. So the average velocity, you can say it's also about 550 meter per second. So it's a very high velocity. So here our in the MOT region, our capture velocity is only 25 to 30 meter per second. So we need to slow the atomic build up. So that is done by this Zeeman slower. So at the end of the Zeeman slower, it is only you can say most of the atoms are transferred to the below 25 meter per second velocity range. Yeah, here is our one MOT beam is going in this direction. The second beam is there, so both are perpendicular again, X and Y. And here in the vertical direction there is one, so that is our Z beam. तो हाँ, यहाँ पे लेजर्स ब्लू है, उस केस में लेजर्स रेड थे, उसका रीजन है। स्ट्रॉन्शियम के केस में हम दो लेजर्स इस्तेमाल करके इसे ठंडा करेंगे। फर्स्ट है 461 नैनोमीटर ब्लू लेजर जो मोस्ट ऑफ द कूलिंग करेगा। उसके बाद आता है 689 नैनोमीटर का रेड लेजर जो उसे कूल करके और टाइट करेगा इस जो स्ट्रॉन्शियम का क्लंप है उसे। ऑलमोस्ट जीरो केल्विन तक आएगा, 1 माइक्रो केल्विन की बातें चल रही है यहाँ पे। तो एट दिस पॉइंट पे बहुत बहुत कोल्ड है मूवमेंट के मामले में। अभी आप में से कुछ लोग होंगे जो जिनको ज्यादा डीप डाइव करना और जिनको नहीं समझ रहा कि ये कलर्स का रीजन क्या है, ब्लू का रीजन क्या है, ये जानने के लिए ये जो पूरा कॉन्वर्सेशन आपके स्क्रीन के ऊपर अभी कोरक कुशल के साथ, ये पूरा मैंने अपने दूसरे चैनल गरीब साइंटिस्ट शून्य के ऊपर डाला है, जिनको डीप डाइव करना है वो कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ बोलना चाहूंगा, इनका जो ब्लू लेजर है, प्रॉब्लम इस ब्लू लेजर हमें डायरेक्टली मिलता नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं 922 नैनोमीटर का लेजर लेते हैं जो विजिबल रेंज में नहीं, जो दिखता नहीं आई को, इसे एम्पलीफाई करते हैं और एक सर्टन क्रिस्टल से पास करेंगे जिसके अंदर वो बाउंस होकर बाहर निकलेगी 461 नैनोमीटर की ब्लू लेजर। अभी हमारे पास आ गया ये सुपर कोल्ड क्वांटम गैस पाइल ऑफ एटम्स, उसके बाद क्या? एंड आफ्टर दैट वेल देयर इज आल्सो ओपनिंग, सो हियर वी विल पुट ऑन ग्लास सेल एंड वी विल ट्रांसफर अवर द एटम्स व्हिच आर ऑलरेडी कोल्ड फ्रॉम द फर्स्ट चैम्बर टू द सेकंड चैम्बर एंड इन द सेकंड चैम्बर वी विल हैव द हाई एनर्जी ऑब्जेक्टिव। सो व्हाट हाई एनर्जी ऑब्जेक्टिव डज इज दैट इट फोकसेस द लाइट अप टू few micrometer or even hundreds of nanometers. So at that very tight focus you can deterministically trap the single atom. And with the single atom you can manipulate it in a ground state or the excited state, and based on that you can do the quantum computing. And in the same time, since it is in your second chamber, you can also put one optical lattice which is of the 813 nanometer. That will act as a, so that can be used for your optical lattice clock. Okay. And you can interrogate with the 690 nanometer laser, and you will have the lock your 690 nanometer laser to your atomic reactor. Well, यही है वो incomplete part जो उस time बचा था, एक साल हो गए मैं visit करके। ये क्लंप ऑफ एटम्स जो है बाद में ट्रांसफर होंगे एक ऑप्टिकल लैटिस में। अब यहाँ पे आप तो ऑप्टिकल ट्वीजर्स लेके एक एटम को प्रोब कर सकते हो, या आप रेट्रो रिफ्लेक्टिंग लेजर से एक ग्रेटिंग बना के टू डिमेंशन या थ्री डिमेंशनल लैटिस बना सकते हो जिसमें आप एटम्स ट्रैप कर पाओगे। आई नो आप वंडर कर रहे हो कि ये इसमें क्लॉक, अभी क्लॉक कहाँ है, ये सेकेंड टिकिंग वगैरह कहाँ है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो आप ऑलरेडी माइनॉरिटी में हो, तो ग्रेट अभी इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है जहाँ पे हम क्लॉक के साइड में पहुंच रहे हैं। देखो याद है मैंने उस क्या ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट, एक एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन करो एक ग्रुप ऑफ एटम्स है या एटम है कॉल्ड गरीबियम और समथिंग, जो भी आपको समझना है। इस एटम की ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है 550 नैनोमीटर जो है ग्रीन लाइट, ठीक है, परफेक्टली 550 नैनोमीटर। तो अगर इस क्लंप ऑफ एटम्स के ऊपर मैं ग्रीन लाइट फायर करूं 550 नैनोमीटर, तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके एनर्जी लेवल पे जंप होगी, वो अलग है, मेटास्टेबल चला जाएगा इस केस में। पर दूसरा इफेक्ट क्या है, उसके पीछे जो वॉल है, उसके आसपास की सराउंडिंग जो है, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट होके बहुत कम लाइट गिरेगी। क्यों? क्योंकि बहुत तो एटम्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, बचा कुचा ही वॉल्स के ऊपर गिरेगा, करेक्ट। पर अगर मैं गरीबियम पे 580 नैनोमीटर, 555 नैनोमीटर ऐसा कुछ फायर करूं, तो काफी सारा एब्जॉर्ब होगा नहीं, आसपास के सरफेसेस पे बहुत गिरेगा। और ये इस प्रॉपर्टी को लेके हम कैसे टिक या सेकंड टिक के डेफिनेशन कर सकते हैं? अभी आते हैं हम मेन मामले के ऊपर। स्ट्रॉन्शियम के केस में वो है जो क्लॉक ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है, वो है जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, वो 698 नैनोमीटर के लाइट से मिलती है हमें। तो जब हम उसके ऊपर 698 एग्जैक्टली मैच करके अगर आप लेजर फायर करोगे इस लैटिस में, तो उसमें काफी सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। पर एक प्रॉब्लम है, हमें कैसे पता कि हमारा लेजर 698 नैनोमीटर पे है कि नहीं, राइट? लेजर्स का रेंज होगा, आप कैसे सेट करोगे? तो आपको ट्रायल एंड एरर से सेट करना होगा। देखो पहले आप लेजर फायर करो, आप देखोगे कि थोड़ा एब्जॉर्ब हुआ, फिर लेजर का थोड़ा बढ़ाओ, देखोगे बहुत एब्जॉर्ब हुआ, फिर और थोड़ा बढ़ाओ, देखोगे कम एब्जॉर्ब हुआ। इसका मतलब कि प्रीवियस सेटिंग करेक्ट थी। और जैसे ही आप पीक आपको मिल जाता है कि सबसे ज्यादा
जहां पे एब्जॉर्ब हो रहा है स्ट्रॉन्शियम का, आप उस फ्रीक्वेंसी को लॉक कर दोगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका लेजर 690 नैनोमीटर पे है। और गेस व्हाट, ये थोड़े लोग को शॉक करेगा, पर ये जो लेजर हमने जस्ट लॉक किया 698 नैनोमीटर पे, वही हमारा क्लॉक है। हाँ, स्ट्रॉन्शियम हमारा क्लॉक नहीं है इस केस में। मुझे पता है क्रेजी, और कुछ लोग अभी जस्ट मतलब उन्हें डाइजेस्ट करने प्रॉब्लम होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लाइट एज अ क्लॉक कैसे ले सकते हैं हम लोग। इमेजिन करो एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1 हर्ट्ज, ठीक है। ये मतलब ये सेंस नहीं करता है, बट आप इमेजिन करो 1 हर्ट्ज मतलब क्या, मतलब 1 सेकंड में 1 साइकिल हुआ उसका बस, ठीक है। यानी 1 हर्ट्ज इक्वल्स 1 साइकिल। सपोज ऐसी है कि 10 हर्ट्ज है, यानी 10 फ्रीक्वेंसीज हुए या 10 साइकल्स हुए 1 सेकंड में। तो अभी क्या हुआ, अगर हम इस लाइट को इस्तेमाल करेंगे एज अ डेफिनेशन फॉर 1 सेकंड, तो हमारी प्रिसीजन है कि 1 सेकंड के 10 डिविजन है, करेक्ट। तो स्ट्रॉन्शियम के केस में अगर हम 698 नैनोमीटर को ले, तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ये आती है जो आपके स्क्रीन के ऊपर है, यानी उतने साइकल्स हो रहे 1 सेकंड में, यानी उतने वेव्स प्रोड्यूस हो रहे 1 सेकंड में। इसलिए स्ट्रॉन्शियम का क्लॉक ज्यादा एक्यूरेट है, ये 10^-18 जो भी है। तो ये पूरा जो सेटअप किया हमने, उसका एम था लेजर को लॉक करना फ्रीक्वेंसी में जो हमें बताए करेक्ट है। क्योंकि स्ट्रॉन्शियम एटम के धरती पे आप ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी मेजर करो, मार्स पे मेजर करो, किसी दुनिया में किसी और भी मेजर करो, उसकी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी सेम होगी, तो आपको बताए कि आपका लेजर 698 नैनोमीटर पे लॉक्ड है। तो जो मैंने सीजियम क्लॉक का एग्जांपल दिया, जो करंट ग्लोबल स्टैंडर्ड है, जब मैंने कहा ये 900 करोड़ या व्हाटएवर ऑसिलेशंस कर रहा है, टेक्निकली वो ऑसिलेशंस नहीं कर रहा है, इनफैक्ट उल्टा है, राइट। इस स्ट्रॉन्शियम के केस में तो हिल ही नहीं रहा है क्योंकि इतना कोल्ड है। तो सीजियम के केस में वो माइक्रोवेव इस्तेमाल करते हो, तो उसकी जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है उस वो जो 900 करोड़ व्हाटएवर जो भी है उतने में चलती है, उतने में वो रेजोनेंट है, इसलिए वो वैसा क्लॉक है। तो एटॉमिक क्लॉक जब बात करते हैं, हम एक बहुत एफिशिएंट काउंटर डेवलप करना चाहते हैं जो इस केस में लाइट है, और लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है माइक्रोवेव से, इसलिए ऑप्टिकल लाइट विजिबल लाइट, इसलिए हमारा स्ट्रॉन्शियम का क्लॉक मल्टी ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ज्यादा एक्यूरेट है सीजियम से। इस केस में आई एम सॉरी अगर काफी लोग कॉम्प्लिकेटेड लगा, पर अगर आप यूट्यूब पे जाओ और आप स्ट्रॉन्शियम एटॉमिक क्लॉक एक्सप्लेन या जो भी डालो, आपको लैटिस क्लॉक के डाउट डालना है, तो आपको 2 एक्सट्रीम्स मिलेंगे, एक एक्सट्रीमली सिंपल और एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड जिसमें मैथ और फॉर्मुलाज आते हैं। मेरा हमेशा एम होता है कि मैं बीच में कहां गाइड करूं जहां पे सिंपलिसिटी और थोड़ी कॉम्प्लिकेशन का बैलेंस हो। इस केस में मैंने बहुत कुछ मिस आउट किया, जैसे ये जो मैंने कहा ना लेजर्स का फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, तो उसमें वो फ्रीक्वेंसी कॉम वगैरह इस्तेमाल होता है, ब्लू लाइट का क्यों यूज है क्योंकि हायर मोमेंटम और उसकी जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल एनर्जी लेवल डायग्राम से, वो सब मिस किया। काफी चीजें इसलिए मिस किए क्योंकि समझते नहीं, कुछ मिस किए क्योंकि एक्सप्लेन करने का तरीका पता नहीं। तो आई होप ये कुछ नया आपको सीखने मिला, और इंडिया में इस लेवल का रिसर्च हो रहा है ये भी आपको पता चला, और वो भी देखने मिला। इवन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का वीडियो जो मैंने दिखाया, वो आपको इवन इंटरनेशनल लेवल पे मैंने तो नहीं देखा, मैंने बहुत ढूंढा ऐसे रियल बनाते हुए वगैरह। तो हाँ, अगर आप ऐसा कंटेंट सपोर्ट करना चाहते हो फाइनेंशियली, तो आप ज्वाइन बटन दबा सकते हो या तो बाय मी अ कॉफी का बटन दबा सकते हो, लिंक कर सकते हो, आपको डिस्कॉर्ड एक्सेस मिलेगा, वॉलपेपर्स मिलेंगे, हम वहाँ कॉल्स वगैरह करते हैं। तो हाँ, स्पेशल थैंक्स टू शिखर, मनोहरन, कार्तिक देवाल, बुटला चैतन्य, जयंत शर्मा, रोहित सुवर्ण, नारायण प्रसाद, प्रदीप मोहनदास, तन्मय देशपांडे, निशन कुमार, विशाल बारोत, पल्लव रानेडे, हाइड्रेटिंग, कृपल पटेल, निशाल प्रजापति, शौनक पेरनी, निसर्ग मानकड़, विवेक सिंह, संजत कावड़े, कृष्णा, स्पार्क 164, एक एनोनिमस और ETBM।